और ये हमारे गणेश जी, देखो अब कुछ लोग कहेंगे ये गणेश जी कैसे हो गए कि फतेह सागर जेल उदयपुर की शान है। ये आ गई फाइनली मेरी आइसक्रीम अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स। कहाँ है? स्विंग अंदर है? ओ ये रहा आपका स्विंग पूल। बाहर लेके जाओ। बाहर लेके जाओ। जानशु खुश हो गया और जानशु की आज छुट्टी है क्योंकि आज है संडे, संडे की मॉर्निंग। कल इसने एग्जाम दिया, अच्छा एग्जाम हुआ है और देखो रिजल्ट कैसा आता है। और फाइनली जानशु अब इस स्विमिंग पूल के अंदर करने वाला फुल मस्ती। एक्चुअली ये इसका शैम्पू है, पूरा शैम्पू इसने इसके अंदर डाल दिया और पूरा झाग झाग कर दिया पानी को और इसी पानी में ये अब नहा रहा है फिलहाल जानशु। शुरू ऊपर आई हुई है, शुरू देख रही है। शुरू साफ सफाई नहीं करनी अब? और ये देखो, ये देखो ये नीचे क्या सीन है। देखो ये हमारा खेत है, एक्चुअली हमारा खाली प्लॉट। और काफी लंबे टाइम बाद आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है यहाँ पे मक्की उगा रखी थी, सब खराब हो गई, बंदर वगैरह ले गए, गिलहरी ले गई, फूल हमने उगाए थे उधर गेंदे के फूल, फूल उगे नहीं, खाली बढ़ रहे हैं लेकिन फूल नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे हम सब्जियाँ उगाते थे लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने से कुछ भी नहीं उगा रहे क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हो गया है कि उगाने जैसा कुछ है नहीं, सफाई करनी है प्लॉट की। और ये हमारे गणेश जी, देखो अब कुछ लोग कहेंगे ये गणेश जी कैसे हो गए, तो जो लोग फॉलो करते हैं रेगुलर उनको पता है कि ये पौधा गणेश जी कैसे है। तो मैं बता दूं, इस पॉट के अंदर गणेश जी की मिट्टी है और इस मिट्टी में हमने इस पौधे को उगा दिया और ये गणेश जी हमारे साथ रहते हैं हमारे घर में। और ऐसे काफ़ी सारे पौधे हैं नीचे भी लगा रखे हमने। और ये सामने मकान बन रहा है मेरे दोस्त का। और फिलहाल संडे है, आज संडे का व्लॉग है। और ये देखो ये पानी वाला ड्रम है जो स्पेयर है हमारे पास, खाली पड़ा है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है मैं दिखाता हूँ। देखो ये इसको ओपन करूँगा ना, ये वो देखो ये ये जीड़ी जीड़ी लगी हुई है, देखो टांटिया। ये इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो ये लगा हुआ है यहाँ पे। फाइनली जांशु पानी निकाल रहा है इस स्विमिंग पूल में से। ये देखो ये बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा आजकल हम लोगों को, मेरे को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है जांशु में स्कूल जाने के बाद। फिलहाल जांशु आ गया है, अब जांशु से पूछ लेते हैं जांशु हमको कहाँ लेके जा रहा है। जांशु कहाँ लेकर जा रहे हो? मार्केट लेकर जाके क्या कराओगे? शॉपिंग कराओगे। कहाँ जाना है? भतीजी जाना। कपड़े गंदे हो रहे हैं यार। वो आ गई शुरू, देखो शुरू डांट रही है इसको। जानशु को बार बार बोले कपड़े खराब हो गए। अब कपड़े नए पहने तो खराब तो होंगे ही, नहीं होंगे खराब? बताओ मेरे को पहले, कपड़े पहने हैं जानशु ने तो खराब तो होंगे ना, आज नहीं तो कल धुलेंगे, कल नहीं तो परसों फटेंगे, और फटेंगे तो नए कपड़े आएंगे। क्यों जानशु, सही बात है ना? सही बात है, जानशु खुद कह रहा है सही बात है। अब हम जा रहे हैं उदयपुर सिटी, कुछ खास नहीं बस ऐसा ही, इवनिंग का टाइम है तो थोड़ा संडे है, ऐसी जानशु की छुट्टी है तो हम ऐसी थोड़ा सा सिटी में घूम के आते हैं बस। ये लो फाइनली ये मंचूरियन रोल आ चुका है जानशु के लिए और मेरे लिए। शुरू का मन नहीं है, शुरू नहीं खाएगी? मैं नहीं खाऊंगी, सोडा पी के। शुरू नहीं खा रही जानशु, ये लो आपके लिए। थैंक यू। अब मेन सिटी में हम एंटर कर चुके हैं, टाउन हॉल के जस्ट सामने है फिलहाल हम। जानशु अपन कहाँ जा रहे हैं? फतेह जी। हमारे राइट साइड में है फतेह सागर झील और लेफ्ट में काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल हैं। जिन बोट बोरी बोरी बोट इतना पीछे तक लाते हैं ये बोट को? वो चली गई बोट उस तरफ। और ये है एक्चुअली राजीव गार्डन, इसका व्लॉग हम फिर कभी बनाएंगे, अभी टाइम नहीं है इसलिए अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और बहुत जबरदस्त रश है एक्चुअली, गाड़ियाँ देखो कैसे जबरदस्त खड़ी है लाइन में, और इस तरफ बसें हैं और इधर गाड़ियाँ लाइन में। ये जो है ना ये एक्चुअली रानी रोड का फूड कोर्ट है और यहाँ पे बहुत जबरदस्त भीड़ रहती है, संडे वाले दिन तो बिल्कुल स्पेशल। ये रेडी है आइसक्रीम वाली और यहाँ पे इसने गाड़ी रुकवा दी हमने फतेह सागर। और ये है रानी रोड एक्चुअली, यानी फतेह सागर का जस्ट बैक साइड है। कितना हुआ 90? इस जगह पे हम काफी बार आए हैं एक्चुअली। जो लोग फर्स्ट बार हमारे व्लॉग को देख रहे हैं उनको पता लग जाएगा कि फतेह सागर झील उदयपुर की शान है, मतलब उदयपुर जिलों की नगरी में से एक झील फतेह सागर लेक भी है। ये आ गई फाइनली मेरी आइसक्रीम अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स। दो आइसक्रीम ये आ गई
और एक आइसक्रीम ये रही मेरी। इवनिंग के लगभग 6:15 हो गए हैं। चीज छाड़ छाड़ के खाता है आइसक्रीम में से। कैसा है? यम्मी है। तो फिलहाल घर पहुंच गए। आजो आजो। पांडे को एकदम लेटा रखा है नीचे, ये देखो। और फाइनली जांशु पहुंच गया है घर में। जांशु जब 1-1.5 साल का था ना, तब से ब्लॉग बन रहे हैं रेगुलर। मेरे ख्याल से 210-211 के आसपास ब्लॉग डल चुके हैं। पास्ट में जांशु की 3-4 वीडियो वायरल हुई है, जिसकी वजह से 450 के आसपास सब्सक्राइबर है, फैमिली जुड़ी हुई है 450 की। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में एक नई वीडियो की क्लैरिटी के साथ। नई वीडियो की क्लैरिटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे चल रही है, अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है। इन दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म से मैंने मंगाई है एक नई चीज, उसका भी ब्लॉग मैं आपको बताऊंगा कि 1-2 दिन में मेरे पास आने वाली है, यानी डिलीवर होने वाली है वो चीज। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तब तक बाय।